हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमने बात की थी कि किस तरीके से वहाँ पे डेफिनेशंस होती हैं और क्या क्या वहाँ पर एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें एक बात कॉमन है कि किसी भी टाइप के आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिकुलर फार्मूला सेम ही होना चाहिए। ठीक है, और चेन आइसोमेरिज्म के लिए हमने क्या पढ़ा था कि पैरेंट चेन का साइड है ना, पैरेंट चेन या फिर साइड चेन का साइज अगर डिफरेंट होता है तो वहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है ना, और पोजीशन में हमने क्या पढ़ा था कि पोजीशन का केवल डिफरेंस आता है। ठीक, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो देख लें, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स अच्छे समझ में आए। ठीक है ना, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, अपना जो नेक्स्ट आइसोमर है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जिसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको IUPAC अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो एक हम क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से समझेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म है हमारे पास कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो एक मिक्स क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर मुझे CI और PI बताना पड़ेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, उस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेंगे कि किस तरीके से और एग्जाम्पल्स बन सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म पे और पोजीशन आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने लगेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। तो देखिए, होता क्या है कि रिकॉर्डिंग करते वक्त ना कई सारे प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास। ठीक, जैसे कि यही वाली वीडियो दूसरी बार शूट हो रही है, जब पहली बार शूट हुई थी तो माइक ही नहीं काम कर रहा था, बीच में 10 मिनट तक माइक काम किया, उसके बाद माइक काम करना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो जिस तरीके से फिल्मों की शूटिंग में कई बार रीटेक होते हैं, तो वैसे ही एक्चुअल कोई भी आप शूटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर रीटेक करना ही पड़ता है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, एक ही चीज़ को कई बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो लोग देख रहे हो ये बात अगर आप समझते हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हैशटैग क्या बना हुआ है, इस हैशटैग का कोई मतलब नहीं है, ये हैशटैग बना के कैमरे का फोकस कर रहे थे हम। ठीक, तो आज हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जिससे कि हमें चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाए। ठीक है ना, देखिए, जब अचानक से स्टार्टिंग में वीडियो शूट होती है तो स्टार्टिंग या 5 से 6 मिनट ना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अपन लोग को भी फ्लो में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना वैसे वैसे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आप लोग सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, जो भी सिलेबस हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे वे में पढ़ेंगे, है ना। एक बहुत ही खतरनाक कंटेंट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि 11th क्लास में हो शायद ना हो, 12th क्लास में शायद ना हो। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, है ना, जितने भी टॉपिक्स हमारे पहले ज़माने में हुआ करते थे, कहने का मतलब जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक हम इस 11th वाले पार्ट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप या तो सभी पढ़ लो, अगर आप चाहो तो कुछ टॉपिक छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ने वाले हैं, आपके स्कूल का एग्ज़ाम का तो सारे कोर्सेज बनने ही वाले हैं, स्कूल एग्ज़ाम के अलावा आप कॉम्पिटेटिव का भी थोड़ा बहुत, है ना, वहाँ पे चाल चलन कैसा होता है, वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी हल्का फुल्का हम लोग आइडिया लेते हुए चल रहे हैं। हालांकि प्योरली कंपटीशन की हम लोग बात नहीं करते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अभी इतनी बात कर लेते हैं ना कि आपका बोर्ड का भी काम हो जाए, 11th में है ना स्कूल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर 12th वाली ऑर्गेनिक को समझने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी बातें हम अभी इसी वक्त, है ना, 11th में ही पढ़ लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 11th वाला पार्ट, है ना। तो सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग ही वे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 12th में बहुत चीज़ें हम ऐसे पढ़ने वाले हैं जो कि 11th में रिलेट करता है। तो सर, एग्जाम्पल क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन के लिए क्या है कि मॉलिकुलर फार्मूला जो दिया हुआ है ना, वह C6H12। ठीक है, एंड क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है ये चीज़। एक तो मेरे पास इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन था, ठीक है, 6 कार्बन। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कैसे बना, इसके पीछे भी रीज़न है ना, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो 6 कार्बन रखना है, तो या तो मैं 5 ऐसे कर लूँ, साइक्लोपेंटेन 6 ये हो गया। ठीक, अब इसमें चेंज करने पर कोई आइसोमर नहीं बनने वाला है,
तो 5 के बाद 4 आ जाता है ना, तो हम 4 ले लेते हैं। 6 कार्बन ही मुझे रखना है, तो आप देखो ज़रा 4 5 6 ना, 1 1 2 पे कर सकते हैं हम लोग, या फिर क्या कर सकते हैं सर, 4 का रखते हुए 1 पे 3 पे कर ले, क्यों, तब भी 6 हो गया। या फिर 4 का रखते हुए एक ही पोजीशन पे 2 टाइम कर सकते हैं हम लोग, 4 2 6 है ना। तो ये C6H12 आपको दिखेगा, आप चेक कर सकते हो, 2 2 4 2 6 3 3 6 4 10 है ना, है कि नहीं, 2 2 4 2 6 हो गया, 3 3 6 6 4 10 10 ही हो रहा है क्या, C6H12 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा शायद, क्यों, देखिए 4 तो ये कार्बन और 2 6 ये कार्बन, C6 तो है, H12 क्यों नहीं है, 3 3 6 हो जाएगा, 6 2 8 9 10 11 12 है ना, ठीक है ना, तो C6H12 होगा। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, है ना, 4 कार्बन रखते हुए, साइक्लोब्यूटेन रखते हुए, अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, 1,2 की बनाइए, 1,3 की बनाइए, या फिर 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा दें हम, 4 के बाद ना हम 3 पे जाते हैं, 3 साइक्लोपेंटेन, क्या साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अलग अलग कर ले कार्बन्स को, तो 6 कार्बन हो गए, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन कैसे बना है ये भी हम बता रहे हैं। चलिए, तो अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन को ऐसे रखते हुए ऐसे कर ले, ठीक है, 5 और 6 देख रहा, 3 तो ये वाले, 2 3 4 5 एंड 6, तो एक ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। एक अगर हम लोग और बना ले, तो ऐसा साइक्लोप्रोपेन रख लेता हूँ, ठीक है, इथाइल को ऐसे कर लेते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, इथाइल को वैसे रख लिया और उसकी पोजीशन मैंने चेंज कर लिया, ओ तो सेम है ना, ये क्या करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा, ठीक है ना, काफ़ी प्रॉब्लम होती है मार्कर वाले बोर्ड पे, इस तरीके से कर सकते हैं, एक ही कार्बन पे इथाइल और मिथाइल, तो 3 एंड 3 6 हो गया, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन बना लेता हूँ, ठीक है, हर पे अलग अलग तो हो गया, और क्या हो सकता है, हाँ ऐसे कर लूँ, 3 4 5 6 ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे, या फिर और भी हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन करते हुए ऐसे आइसोप्रोपाइल कर लूँ, देख रहा है, चलो अच्छे से बना देते हैं हम लोग, यहाँ कर लूँ क्या, ये देखिए 3 4 5 6 ऐसे, क्यों, ये चीज है ना, तो देखिए जहां भी होगा वहां पर C6H12 हर जगह हमारे पास आ रहा होगा, ठीक। एक और भी कुछ बन सकता है क्या, देख लेते हैं हम लोग, चलिए तो फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी पावर कट हो गई थी, पावर बिजली काफ़ी प्रॉब्लम है ना अपने इंडिया में। अब देखिए, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर और भी चीज़ें डायग्राम बन सकते थे, ठीक, ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं रखना है, लेकिन ये कैसे बना ये भी एक क्वेश्चन था। तो अगर मेरे पास इस तरीके साइक्लोप्रोपेन है, तो 2 1 2, ठीक है, 3 ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक, एक स्ट्रक्चर ये भी बन जाता, एक और बन सकता है, ठीक। अगर मैं देखूं, शायद कुछ लोग बोल भी रहे होंगे, अगर मैं इस तरीके से करूं 4 5 6, ये नहीं बनाया था मैं, दिख रहा है आपको ये चीज़। तो जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, C6H12 होता है, तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है ना। ये अपने आप में क्वेश्चन था, अलग था, लेकिन फिलहाल अभी मुझे क्या करना है, अभी तो मुझे ये सीखना है ना कि क्वेश्चन अब मैं पूछता हूँ, ठीक। तो ये एक ही बार में कई सारे क्वेश्चंस बन गए, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अपने एग्जाम में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये समझाने के लिए बस है। तो ज़रा आप देखें यहाँ पे, अगर मैं पूछूँ कि फर्स्ट वर्सेस सेकेंड,
वाल्मीकि किस टाइप का रिलेशन है, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सर साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोपेंटेन वाली रिंग बनी हुई है। कहने का मतलब ये कि पैरेंट चेन का साइज छोटा हो गया है। अगर पैरेंट चेन का साइज छोटा होता है तो वहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म होता है। इसका मतलब कि पहला और सेकेंड में ना चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वर्सेस थर्ड, सेकेंड थर्ड में देख लो आप, साइक्लोपेंटेन था, साइक्लोब्यूटेन था, पैरेंट चेन का साइज फिर से छोटा है, पैरेंट चेन का साइज फिर से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पर फिर से चेन आइसोमेरिज्म होगा। क्यों, इस तरीके से है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थर्ड वर्सेस फोर्थ। ठीक है, थर्ड वर्सेस फोर्थ में अगर आप देखो तो सर ये भी साइक्लोब्यूटेन है, ये भी साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन पोजीशन मिथाइल ग्रुप की डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये वाला अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्या है सर, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, एक खास बात बताता हूँ, एक राज की बात। इस वीडियो को शूट करने के पीछे ना कई सारी बाधाएं आ रही है, जैसे कि आज लाइट चली गई, पता नहीं लाइट चली जाए फिर से ऐसा हो सकता है, तो है ना। तो मैं बोल रहा था कि थर्ड और फोर्थ में क्या है, साइक्लोब्यूटेन थी तो पोजीशन का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब सर पोजीशन आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर वर्सेस फिफ्थ कि ठीक है कि फोर्थ और फिफ्थ में पूछा जाए तो सर यहाँ पे फिर से दिख रहा है कि साइक्लोब्यूटेन यानी कि पैरेंट चेन का साइज तो सेम ही है लेकिन जो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन है ना वो डिफरेंट हो गई है। तो कहने का मतलब ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक, फिफ्थ वर्सेस सिक्स में अगर मैं पूछूं इसमें और इसमें क्या है, तो सभी लोग बता रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म है क्योंकि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन है, पैरेंट चेन का साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया सर अपना चेन आइसोमेरिज्म क्योंकि पैरेंट चेन का साइज डिफरेंट है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म की हेडिंग डलवा के आप यही सब पढ़ा रहे हो, तो पहले एक क्वेश्चन कर ले है ना, तो इसके बाद हम लोग उस पर आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए तो सिक्स वर्सेस सेवेंथ देख लेते हैं हम लोग। सिक्स वर्सेस सेवेंथ, सिक्स वर्सेस सेवेंथ में फिर से वही बात, क्या बात हो जाएगी सर, साइक्लोप्रोपेन पैरेंट चेन का तो साइज सेम है लेकिन जो साइड चेन का साइज है ना वो डिफरेंट हो गया आपकी बार। तो ये हो गया अपना चेन आइसोमेरिज्म, क्या बन गया सर ये चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्यों कैसे चेन आइसोमेरिज्म, देख लो आप, मेथिल मेथिल लेकिन यहाँ पे एथिल है ना इस वजह से। ठीक है ना, ये लेकिन मैं पूछूँ सेवेंथ वर्सेस एट तो आप क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म है क्योंकि इथाइल यहाँ भी था, ये इथाइल ये मिथाइल, यहाँ भी इथाइल यहाँ भी मिथाइल, बस पोजीशन का डिफरेंस आ गया। तो हो जाएगा सर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या हो गया सर पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग एट्थ वर्सेस, क्यों अगर हम पूछें एट्थ वर्सेस नाइन्थ, एट्थ और नाइन्थ में क्या होगा। फिर अगर आप देखो ना तो यहाँ पर एथिल था मेथिल था, अब 1,1 डाई मेथिल और एथिल हो गया, मतलब कि साइड चेन का साइज फिर से डिफरेंट हो गया। तो अगर साइड चेन का साइज डिफरेंट हो गया तो ये अपना हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाइन वर्सेस टेन, नाइन वर्सेस टेन में क्या हो जाएगा, फिर से आपको देख लिया साइक्लोप्रोपेन यानी कि पैरेंट चेन का तो सर साइज सेम है लेकिन जो साइड चेन है ना उसका साइज डिफरेंट हो गया क्योंकि यहाँ 1,1,2 ट्राई मेथिल लिखा है और यहाँ पर 1 पे ना इस टाइप का हमारे पास आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी हो गया चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 10 वर्सेस 11 क्या होगा, तो आप लोग देख लो फिर से साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का मतलब क्या है कि पैरेंट चेन का तो साइज सेम है लेकिन साइड चेन का साइज फिर से डिफरेंट, ये प्रोपिल है। ठीक है, और ये आइसोप्रोपिल टाइप का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 वर्सेस 11 में फिर से अपना चेन आइसोमेरिज्म वाला आइसोमेरिज्म है क्योंकि साइड चेन का जो साइज है वो डिफरेंट है। अब अगर मैं 11 वर्सेस 12 में पूछने लगूँ, 11 वर्सेस 12 तो आपको साफ साफ दिख रहा है प्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन पैरेंट चेन का साइज डिफरेंट, मतलब कि ये फिर से चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई दो स्ट्रक्चर देकर आपसे पूछ सकता है कि इसमें किस टाइप का रिलेशन है तो आप बता सकते हो। ठीक है, एक खास बात और थी, अगर मैं ये पूछ लेता कि फर्स्ट वर्सेस ऑल पूछ लेता ना
तो ये तो साइक्लोहेक्सेन, और इसके अलावा आप सब भी देखो इसका सबके साथ रिलेशन कैसा होगा, चेन आइसोमेरिज्म का होगा, क्योंकि सब में क्या पैरेंट चेन का साइड चेन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले का और किसी से भी कंपेरिजन करेंगे तो चेन आइसोमेरिज्म होने वाला है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म फर्स्ट वाले का और सभी के साथ। सर कैसे चेन आइसोमेरिज्म होगा आप खुद ही देख लें, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके अलावा देखिए आप पेंटेन है, या तो ब्यूटेन है या तो साइक्लोप्रोपेन है, इसका मतलब कि पेरेंट चेन का साइज क्या हुआ, डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन और देखा जिससे कि हमें थोड़ा सा और आइडिया लगा कि कैसे हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म पीआई और सीआई का कॉन्सेप्ट होता है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो अब अभी हम, अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं है ना, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये अगर इस लेवल पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जेई नीट का फाउंडेशन भी एक तरीके से बनता जा रहा है। तो अगर आप ये पूरा कंप्लीट कोर्स करने के बाद कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और बहुत ही चीज़ें आप आसानी से लिंक कर पाएंगे इन सभी क्लासेस से। ठीक है, तो ये अभी स्पेशली क्लासेस 11th के लिए है ना, 11th के लिए, लेकिन कहने को तो 11th में लिख रहा हूँ लेकिन प्योरली 11th नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग कॉम्पिटेटिव वाले बात कर ले रहे हैं एंट्री लेवल पर, बहुत है ना डीपली कॉम्पिटिशन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्योरली जेई एडवांस के लिए या फिर जेई मेन के लिए हो गया, नहीं, 11th स्कूल एग्जाम के लिए है, लेकिन थोड़ा बहुत हम कॉम्पिटिशन वाली भी बातें यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले पहले आप इतना नोट कर लें, नोट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, अच्छा कई बार 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 नाम लेने पर ना ये नाम आपके माइंड में बैठ जाता है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको हम लोग मान लीजिए कि आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद वो पढ़ानी है, तो अभी से ना हल्का हल्का सा सुना सुना कर आपके माइंड में भर देते हैं। तो मैं पिछली क्लास से चिल्ला रहा हूँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अभी भी लिखा था बोर्ड पे लेकिन करा दिया चेन और पोजीशन का, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आप इसको नोट करें। ठीक है ना, तो इतना नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर जी फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ साथ और भी बातें मैं आपसे बताता चलूं कि जितने भी अभी स्ट्रक्चर वाला आइसोमेरिज्म है वो हम पढ़ लेंगे, उसमें से भी टाटोमेरिज्म नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि जो टाटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा वहाँ पर रेजोनेंस एंड कार्बन आयन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो जब हम ये पार्ट कर लेंगे आइसोमेरिज्म है ना, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट ख़त्म कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि वाकई में रिएक्शंस कैसे होती हैं है ना, स्पेशली किस टाइप की रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले रिएक्शंस है ना, ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनके मैकेनिज्म की क्या बातें होती हैं है ना, और भी बहुत छोटी मोटी बातें जो कि 12th क्लास के रिएक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम ज़रा देखें कि क्या बात है अपनी, हाँ जी, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर कोई बोल रहा होगा सर इससे बड़ा लिखिए, तो कोशिश कर रहा हूँ इससे बड़ा लिखने की, काफ़ी ज़्यादा इस यहाँ बच्चे हैं ना, तो मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो आप लोग बच्चों की आवाज़ मत सुनिएगा, जो मैं बोलता हूँ वो सुनिएगा। तो किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन अभी तक आपको याद हो गई होगी, पिछले है ना, पिछले 3 क्लासेस से हम लोग यही करते आ रहे हैं कि मॉलिकुलर फार्मूला जो है ना सर, ये तो सेम रहना ही चाहिए। अब मैं ज़्यादा है ना ग्रामर नहीं देख रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कई लोग ग्रामर मैच करने लगते हैं, ग्रामर गलत थी, तो मॉलिकुलर फार्मूला तो सर सेम होना चाहिए, और क्या क्या IUPAC जो नेम है ना, IUPAC नेम सर डिफरेंट होना चाहिए, क्यों डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, और फंक्शनल के लिए जो बहुत ही खास बात है, क्या खास बात है, डिफरेंट नेचर ऑफ डिफरेंट नेचर होना चाहिए, डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो अब की बार क्या होगा, जो अपना फंक्शनल ग्रुप लगा है ना FG, उसका नेचर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन अगर अपना FG का नेचर ही अलग हो गया, नेचर ही डिफरेंट हो गया, तो मैं सर क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि वहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन होगा। ठीक है ना, ये चीज़, तो ज़रा आप ये बाद में लिखिएगा, जो मैं पॉइंट बोलता हूँ डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर आप इसे लिखिएगा, फिर हम इसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक है ना, तो जो मैं बोलता हूँ पहले वो लिखते हैं। ठीक, तो बोलना स्टार्ट करते हैं हम,
लिखिएगा। देखिए अभी तक जितना भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी समझा हूँ उसी को सेंटेंस बना के बोल देता हूँ, तो आप लोग भी ये बात समझ पा रहे हो। अगर मुझे ये 3 पॉइंट पता है तो इसी को मैं सेंटेंस बना के, अगर हमारे स्कूल में एग्जामिनेशन में आता है कि कैसे आप डेफिनेशन लिखोगे, तो आपके समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं, वहाँ पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों है ना। तो लिखिएगा टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, कहाँ लिखना है सर, हेडिंग डालने के बाद लिखना है आपको, ये चीज़ बाद में लिखिएगा, ठीक। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला, बट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट इन नेचर ऑफ, बट डिफरेंट इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन दोज कंपाउंड्स आर नोन एज, देन दोज कंपाउंड्स आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक, देन दोज कंपाउंड्स आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, ठीक है, वही सारी बातें, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। तो फिजिकली आप हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं मेंटली आपकी सारी सारी चीज़ों को समझता चलूँगा, है ना, कि आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो आपको दिख रहा है कि मैंने केवल, है ना, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा इस बात पे स्ट्रेस देते हुए डेफिनेशन लिख दिए। अगर आपको और भी ज़्यादा डेफिनेशन को इलेबरेट करना है, थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है, तो आप ये बात भी जोड़ देना कि सर मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम होता है एंड IUPAC नेम तो अपना डिफरेंट रहता है, क्यों, ये तो सर है ही है, और ये वाला 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। शॉर्टकट में नोट, है ना, अगर मैं क्रैश कोर्स की बात करूँ तो डेफिनेशन नहीं लिखना होता तो केवल आप ये 3 पॉइंट लिख लेते अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल के लिए एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, मैं बता दूं क्या इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक वाले केमिस्ट्री का तो एक फंडा आपको समझ ही आ रहा है, समझ में आ रहा है कि इतने दिन से जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि सर किसी भी टाइप की न्यूमेरिकल्स की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे मुझे न्यूमेरिकल से डील ही नहीं करना है, जितनी भी चीज़ें ना सभी थ्योरी है ना, सभी कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो यहाँ पर चीज़ें याद रखने वाली है। तो जब आप कई बार पढ़ेंगे, कई बार कॉपी पलटेंगे, है ना, जो अभी लेक्चर देख रहे हैं इसको शाम में रिवाइज करके सोएंगे, तभी आपको याद रहने वाली है, ठीक। तो एक बात ये होती है ना, देखिए 2-3 टाइप के अलग अलग बच्चे होते हैं, हम तो मान के चलते हैं कि जो पढ़ रहा है वो एवरेज बच्चा है, उसको बहुत बड़ा तूफानी बच्चा नहीं है, है ना। किसी किसी का IQ लेवल बहुत ही अच्छा होता है तो वो बहुत जल्दी समझ लेता है ना, एक बार समझा तो उसको जल्दी भूलता ही नहीं है, हमेशा याद रहता है। तो उसके लिए तो चीज़ें आसान है, एक बार पढ़ लिया उसके मन में याद है, एक बार देखेगा याद आ गया, ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो गरीब बच्चा है ना, गरीब बच्चे का मतलब जिसको जल्दी समझ में नहीं आता है, जो एवरेज बच्चा है, उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आज पढ़ेगा कल भूल जाएगा, ठीक है, आज पढ़ा कल भूल गया, और पता चले कि सर 2 दिन बाद कोई पूछा तो हल्का हल्का धुंधला धुंधला याद आ रहा है, लेकिन इतना चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है ना, इतना दिमाग में आता नहीं है, इतना याद नहीं होता है, याद नहीं आता है, ठीक। तो ये सारी कई सारी समस्याएं अपने साथ घटती हैं, जो एक मान लीजिए एक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम अगर बच्चा है, यूपी बोर्ड अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो उसके साथ कई ज़्यादा ये घटनाएँ घटती है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आपको तभी याद रह पाएंगी हर चीज़ें, जब आप रिवाइज़ करके ही सोओगे, है ना, रोज़ रोज़ रिवाइज़ करोगे, क्योंकि रिवाइज़ करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। या तो आपका दिमाग बहुत ही तेज़ हो, एक बार देखते हैं तो कभी भूलते ही नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो जो नॉर्मल बच्चा है वो भूलेगा ज़रूर, वो एक बार पढ़ेगा 15 दिन बाद भूल जाएगा, फिर रिवाइज़ करना पड़ेगा फिर भूल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमें स्ट्रेसफुली याद ही रखनी है, तो मैं वो बता रहा हूँ। चेन आइसोमेरिज्म पे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि पैरेंट चेन या फिर साइड चेन का साइज ही तो छोटा करना है, ठीक है, तो वहाँ तो आराम से बन जाएगा। या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए भी क्या है सर, पोजीशन तो चेंज करनी है, अगर मुझे चेन का याद है तो मैं पोजीशन को चेंज कर दूंगा, IUPAC नेम सेम डिफरेंट रखता हुआ, ठीक है, पोजीशन चेंज कर दूंगा, पैरेंट चेन का साइज़ तो सेम ही रहता है ना उसमें, ये चीज़। तो वहाँ पर चीज़ें आसान होती है, हम आसानी से एग्जाम्पल्स बना सकते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए, ठीक है, या फिर देख के आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जो फंक्शनल का पंगा है ना, यहाँ पर क्या है कि पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है,
मुझे कैसे पता सर कहाँ पे क्या चेंज होगा? तो पहली बार कोई पढ़ाएगा ही ना, तो इसी तो आप पढ़ रहे हो, तो पहली बार मुझे बताना ही पड़ेगा कि इस वाले केस में, ठीक है ना, इस वाले केस में, या फिर अगर ये एफ जी होता है तो इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये होता है। तो ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे याद होना चाहिए आपको कि इसका इस अगर इस टाइप का एफ जी क्या है, मैं बताता हूँ, है ना, अगर इस टाइप का एफ जी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये होता है। तो यहाँ पे आपको याद ही रखना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे, ठीक है, तभी आपके सामने अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप बना पाओगे, ठीक है। अगर किसी एकदम नई दुनिया के क्वेश्चन आ गया ना तो कोई कर नहीं पाता है, जो पहले से पढ़े रहता है ना उसी में अगर कुछ चेंज कर ले तो हम कर लेते हैं, ठीक। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है, उसमें चेंज कर करके कितना भी वैरायटी अमला दे तो आप कर ले जाओगे। चेन और पोजीशन का अगर आपको फंडा पता है तो आप देखते बता दोगे कि सर यहाँ पर चेन होगा या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। अब कोई एक ऐसा सवाल आ गया जहाँ पर चेन और पोजीशन था ही नहीं तो आप तो बता ही नहीं पाओगे ना, ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो हम क्या लिखें, हमने डेफिनेशन लिख ली, ये सारी बातें लिख ली, चलिए इसको आप नोट कर ले जरा, मैं हट जाता हूँ इधर, ठीक। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए, तो हो गया। चलिए अब क्या बात करते हैं, हम लोग एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, इसमें एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि शायद बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, बच्चे चिल्लाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है देसी, है ना, देसी गाँव है, ये गाँव नहीं शहर है लेकिन देसी बना है थोड़ा सा ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपसे बात भी करूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्लास में पढ़ते ही जाएँ पढ़ते ही जाएँ, अरे सर बोर कर रहे हो, ऐसे तो आदमी बोर हो जाता है ना। तो थोड़ा सा आपसे बात करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे, ठीक है ना। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल सकता है उस वक्त, तो वो भी डाउट्स अपने आप ले लूँगा मैं। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। हालाँकि ये सब चीज़ें मैं अभी तक नहीं सोच रहा था, अब सोचना स्टार्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपसे बात भी करना चाहिए, ठीक ये चीज। तो फिर से भाई सारी बातें, ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पे आपके पास, इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ जी एक टाइप का होता है तो उसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस बात को आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई और चारा नहीं है इसका। तो आप ना स्कूल एग्जाम के लिए कुछ एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, और कंपटीशन के लिए तो आपको है ना सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें ये होता है इसमें ये होता है। स्कूल में क्या आएगा, एक डेफिनेशन आएगी, एक एग्जाम्पल आएगा, दो तीन एग्जाम्पल आएगा बस, सही है, या फिर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर होगा तो थोड़ा सा अच्छा आता है ना। तो हम जितनी डिटेल से पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्टिव हो, लिखने वाला हो या फिर ऑब्जेक्टिव वाला हो, सारा आपसे बनने वाला है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो मैं ये बोल रहा था ना कि अगर आप देखें तो कोई अगर अल्कोहल होता है, ठीक, तो जैसे मान लीजिए CH3CH2OHOH, ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सर ये क्या है, ये है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। तो अगर कोई अल्कोहल होता है ना तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, ईथर होता है, ये मैं बता रहा हूँ अब से आपको याद रखना है, क्या होता है, ईथर। और आइसोमेरिज्म तो होने के लिए MF सेम होना चाहिए, तो आप देख लो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सर इसमें सेम ही है, क्यों, C2H6O, है ना, ये अल्कोहल हो गया तो ईथर हो गया। मैं IPSC नेम में लिख रहा हूँ, IPSC नेम तो पढ़ा चुका हूँ ना, ये चीज़ ईथर। तो आज से हम ध्यान रखेंगे सर कि अगर कभी ना अल्कोहल का सामने आता है कि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, तो ईथर होता है, ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक, सही है। एक काफ़ी रेयर है ना, जैसे ये चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग थायोल, क्या बोलते हैं सर, थायोल, ये है ना, थायोल का होता है थायो ईथर, थायो ईथर का मतलब क्या है सर, ये चीज़ ROR था या RSR है, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग थायो ईथर। इस टाइप की बातें ना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट कलर से लिखो जिससे आपको देखने में अच्छा लगे। तो थायोल का जो फंक्शनल आइसोमर है वो थायो ईथर है, ठीक, ये चीज़, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये नॉर्मल केस में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चीज़ ना कॉम्पिटेटिव वाले पूछ सकते हैं कि इसका क्या रिलेशन है, इसमें किस टाइप का फंक्शनल आइसोमर है, ठीक। जो जो फेमस है ना उसी की बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे CH3CH2COOH, ये सर क्या है, ये अपना है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो अगर आप देखें, क्यों, ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ना। इस बड़े ब्रैकेट कोई मतलब नहीं है, बस वैसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, है ना, अच्छा लगे बस। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है सर? एस्टर होता है, एस्टर होता है RCOOR, एस्टर है ये, ठीक। या फिर एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके साथ एक OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, ये चीज़। तो मैंने ये बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ना, अच्छा ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम करता है ना, वो कैप संभालों के पढ़ा हूँ। तो क्या मैं बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल आइसोमर है वो क्या है सर? एक एस्टर है, ध्यान रखेंगे ये एस्टर है, ईथर है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बाद में, एस्टर। तो आप देख लें C3 है ना, C3H6O2 है, क्यों, C3H6O2, यहाँ भी देख लें, C3 2 2 4 1 5 1 6 C3H6O2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सर सेम होना चाहिए, ये एक एल्डिहाइड की कैटेगरी हो जाती है, तो ये सर हो गया अपना एल्डिहाइड, क्यों। तो आज से ये भी ध्यान रहेगा, अच्छी किस में डालो, है ना, आज से मुझे ये भी ध्यान रहेगा कि अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो उसका फंक्शनल आइसोमर एस्टर होता है या फिर इस टाइप का कोई एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक। तो अपने स्कूल वाले एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यही लिख दें चलेगा, लेकिन कंपटीशन वाले ये और ये देके पूछ लेंगे कि इसमें किस टाइप का आइसोमर है ना। चलिए, जो जो फेमस फेमस आदमी होते हैं ना, हम उसकी बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें CH3 CH2, ठीक है, CHO, एक एल्डिहाइड है ये, ठीक, क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। तो सर एल्डिहाइड का ना फंक्शनल आइसोमर कौन होगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा, ठीक, एल्डिहाइड का कीटोन होता है। सबसे ज़्यादा याद रखना, सबसे ईजी याद रखना इसी का, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, आराम से। कीटोन क्या हो जाएगा सर? RCOR, देख रहे हैं, 3 कार्बन यहाँ पर है, C3H6O होगा, C3H6O कीटोन हो गया, ठीक है। या फिर एक ऐसा अल्कोहल होता है जो डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो, डबल बॉन्ड का पड़ोसी का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, 1 2 3 OH, देखिए बना कैसे रहा हूँ वो भी आप देख लो, ये चीज़। तो C3 होना चाहिए, 1 2 3 C3, ठीक है, H4 H6 होना चाहिए, तो 2 2 4 2 6 और O, C3H6O, ठीक। तो एल्डिहाइड का तो कीटोन होता है, आज से ध्यान रहेगा। और ऐसा एक टाइप का अल्कोहल भी होता है, एक ऐसा सर ना अल्कोहल भी होता है जो डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या हो गया सर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो अभी तक हमने ये सीख लिया ना कि अगर अल्कोहल का तो ईथर होता है, थायोल का थायो ईथर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता है, जनरली ये एग्जांपल काफ़ी फेमस है, उस टाइप का एक एल्डिहाइड भी होता है जिसके साथ OH लगा हो। एल्डिहाइड का तो सर कीटोन होता है, ये अलग ज़्यादा फेमस है एल्डिहाइड का कीटोन, लेकिन ऐसा अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, है ना, एक और बताता हूँ मैं, यहीं पे देखते हैं, जैसे कि साइनाइड का आइसोसाइनाइड होता है, अगर आप देखो CH3Cl, ठीक, अगर कार्बन से जुड़ा ये ना, तो इसे बोलते हैं साइनाइड, साइनाइड, ठीक। साइनाइड का आइसोसाइनाइड मतलब NC होता है, तो CH3, फिर 2 कार्बन है ना, CH3 CH2, एंड डबल बॉन्ड ओ, मैं क्या कर रहा हूँ, सी यहाँ कर लूँगा ना जी, हाँ जी, CH3 एंड डबल बॉन्ड C, क्यों, लोन पेयर से ये अला बॉन्ड, तो CH3 NC। तो अगर N कार्बन से अगर N लगा होगा तो आइसोसाइनाइड बोलता हूँ, अगर कार्बन से ये अला C लगा होगा तो इसे हम साइनाइड बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, अपने लोन पेयर की वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, ऐसे। तो ये हो गया आइसोसाइनाइड, पता नहीं नीचे बोर्ड में आए कि ना आए, तो आइसो साइ
नाइट क्या हो जाएगा सर? आइसोसाइनाइड, ठीक है ना? अच्छा, तो आज से एक बात और ध्यान में हो गई कि जो अपना है ना, अब देखिए फ़ोन आ रहा है, दरअसल फ़ोन से रिकॉर्डिंग होती है ना। साइनाइड का सर होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है? तो साइनाइड का आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आप देख लो, C2H3N, ठीक। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन बताता हूँ, है ना, देख लीजिएगा। इसको मैं बोल रहा हूँ कि नोट करके लिखें, क्या करें आप? नोट करके लिखें, ठीक। एक बात है ना, एक टॉपिक है जो कि हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर में। कहाँ पढ़ने वाले हैं? 12th क्लास में, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म के दौरान, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के दौरान, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, अगर हम देखें ना, तो सर क्या बताने वाले हैं? ऐसे जरा आप देखो, यह है अमोनिया। क्या है? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के अगर मैं एच को ना, अगर मैं अमोनिया के एच को हटा के आर लगा दूँ, एल्काइल ग्रुप कोई R1 लगा देता हूँ इस तरीके से, तो ये एमीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एमीन। क्या सर बन जाता है? एमीन, ठीक है। और इस टाइप के एमीन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। एक बार लिख देता हूँ, प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं सर? प्राइमरी एमीन, है ना। इसका मतलब कि RNH2 होता है प्राइमरी एमीन। RNH2 सर कैसे हुआ? RNH2 क्या होता है? प्राइमरी एमीन होता है। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर दो एच की जगह दो आर लग जाए, मतलब R1N R2H, तो सर इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। क्यों? इसलिए मैं बोलूँगा, ये बता क्यों रहे हैं, बताता हूँ अभी, सेकेंडरी एमीन, ठीक है। तो सर ये हो गया अपना सेकेंडरी एमीन, क्योंकि दो आर लग गए थे, ठीक। ये चीज़ ध्यान रहेगा। ये इसका मतलब कि सर अभी आप कहोगे कि एक और मैं बना लूँ, अब की बार 3 R लगा दूँ ना, R1N R2 R3, तो इसे मैं सर क्या बोलूँगा, है ना, टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन, क्वाटरनरी एमीन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन थे ना। ये चीज़ टर्सरी एमीन। तो सर इसका क्या टर्सरी एमीन मतलब? इतना बता दिया तो अब क्या? तो अभी मैं बताया कि आपके पास अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें मैं बोलता हूँ एमीन, और हमारे पास 3 टाइप के एमीन बनते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन, ठीक। अब इसका यूज़ करके ना हम एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखेंगे, और वो क्या देखेंगे ये आप शायद ना कैमरे मारा हो, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना ये कैमरे मारी होगी। कैसा देखेंगे उसको हम देखते हैं अभी, ठीक। पहले आप इतना नोट करें, अब आज के बाद से ध्यान में रहेगा कि अल्कोहल का ईथर हो जाएगा सर, थायोल का थायो ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता है, इस टाइप का एल्डिहाइड भी होता है, ठीक है, और एल्डिहाइड का कीटोन, साइनाइड का आइसोसाइनाइड। पहले आप इतना नोट कर ले, मैं देखता हूँ फ़ोन किसका था, पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम बात करते हैं कि और किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, और ये क्या बताया है ना इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इतना ज़रा नोट करें, ठीक है ना। तो इतना नोट हो गया, अब मैं देखता हूँ ये बात अभी से ध्यान में बैठा लेंगे कि एमीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का, जो अपना लास्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें रिएक्शंस होती हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो मैं पहले बताया हूँ कि ये रफ़ करने वाला काम को मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन ये रफ़ करते करते ना कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो शक्तिमान बताया करते थे, कुछ काम की बातें, ठीक है, कुछ आपसे बातें कर लेते हैं। तो एमीन का क्या चक्कर आपको समझ में आता है कि प्राइमरी एमीन भी होता है, सेकेंडरी एमीन भी होता है एंड टर्सरी एमीन भी होता है, लेकिन क्वाटरनरी एमीन नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, क्यों, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है, जो कि आइसोसाइनाइड्स में हम देखते हैं NC में, ठीक। ये चीज़ तो आप लोग ना अपने दोस्तों को बताया करें कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कई बार ना दोस्त बताते नहीं है, कई बार क्या होता है कि मैं पढ़ लेता हूँ उससे आगे निकल जाऊँगा, दूसरे को क्यों बताएं, ठीक है, लेकिन बताया करो, है ना, जिससे कि थोड़ा सा और कंपटीशन बढ़ेगा। तो मैं ये बोल रहा था एमीन वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो एक एमीन लिख देते हैं हम, ठीक, RNH2 एमीन होता है। तो आप देखो 1 2 3 NH2, ठीक।
ये एक एमीन लिखा हुआ है, ये पूरा आर है, RNS2। IPSC मैंने इसकी बताई नहीं है, पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, ठीक है, बताने का भी मतलब भी नहीं ना, अभी फोकस किसी और बात पे है। तो RNS2 मतलब सर ये लिखा हुआ है प्राइमरी एमीन, क्या लिखा हुआ है प्राइमरी एमीन, क्या लिखा हुआ है सर प्राइमरी एमीन, ठीक। बोर्ड को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं सारे कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। प्राइमरी एमीन, अगर मैं बताऊँ सेकेंडरी एमीन मतलब R2NH हो जाएगा, कहने का मतलब कि मुझे इस N से ना दो R लगाने पड़ेंगे, ऐसे देखो यार, तीन कार बने ना मुझे देना, बात वो भी है कि हाँ दो कर लो क्या, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी तो रखना है ये चीज़। तो R2NH, तो N के साथ एक H, कैसे करूँ जरा, तो ये हो जाएगा, R2NH ऐसे, ये हो सकता है, क्यों ऐसे हो सकता है, देखो 1 2 3 R2NH। तो ये अपने पास लिखा हुआ है सेकेंडरी एमीन, क्या लिखा हुआ है सेकेंडरी एमीन, ठीक। अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड अपना टर्सरी एमीन, ठीक। टर्सरी एमीन का मतलब क्या है सर, N के साथ इस तरीके से R3NH, N के साथ अगर तीन R लगा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं सर इसे, टर्सरी एमीन, जो कि अभी अभी हमने सीखा, ठीक। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए, ठीक, और क्या चीज़ सेम रहे सर इन सभी बातों में ना, अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है तो मैं ये बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है सर, वो रिलेशन एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का है, एक रिलेशन फंक्शनल आइसोमेरिज्म का है। ये बात इतने टाइम लेकर मैंने बताई, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे कोई टफ सवाल पूछा जाएगा CBSE में तो ये सवाल पूछा जाएगा कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन में किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, तो मैं बोलूँगा सर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। आप देख लो C3 3 2 5 2 7 8 9 है, C3H9N होगा, देखो C3H9 3 3 6 7 8 9 है ना, C3H6 C3H9N, ठीक। तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए तब प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन क्या होते हैं आपस में, है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक, ये बात मैंने बता दी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि और इसमें कैसे कैसे एग्जांपल्स बन सकते हैं। तो अगर नाइट्रो कंपाउंड है ना, नाइट्रो कंपाउंड मतलब CH3NO2, ये होता है नाइट्रो, नाइट्रो वाले कंपाउंड अगर हुए हैं तो नाइट्रो का, नाइट्रो कंपाउंड का जो आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है वो एक नाइट्राइड्स होता है, ओ, यहाँ से एक बात मैं और बता दूँ, ओ एन ओ, ठीक, इसे बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को नाइट्राइड्स बोला जाता है, तो ये एक नाइट्राइड है, नाइट्राइड, ठीक है, ऐसा ये चीज़। तो जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो फंक्शनल आइसोमर है वो क्या है सर, नाइट्राइट है, क्या है नाइट्राइट, ठीक। तो आपको ध्यान रहेगा NO2 नाइट्रो होता है सर, अगर ऐसा कभी आए ना N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दूँ तो N पे प्लस और O पे माइनस दिखाना पड़ेगा, NO2 का ये भी एक स्ट्रक्चर है, और अगर देखिए NO2 ये भी है, NO2 वो भी है, लेकिन ये ONO है, इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट कार्बन लगा है, लेकिन अब की बार ना ऑक्सीजन से डायरेक्ट कार्बन लगा है, तो अगर ONO आ जाएगा तो हम बोलते हैं ये नाइट्राइड ग्रुप है, कैसा ग्रुप है नाइट्राइड ग्रुप। ऐसे कंपाउंड का यूज हम करने वाले 12th क्लास में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, इस वक्त है ना जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तब भी ये लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप जब देखोगे तो आपको याद आएगा कि ये सारी बातें वहाँ पे थी। तो इन दोनों में भी ना कैसा रिलेशन है सर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड एंड नाइट्राइट। एक और बता देता हूँ यहीं पे लगे याद, एक होता है एमाइड, क्या होता है सर,
एमाइड, तो ऐसे होता है RCONH2। अगर आपको याद होगा तो इस टाइप के कंपाउंड की हमने नेमिंग पढ़ रखी है, इन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं, एमाइड। तो जो एमाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है ना, वो ज़रा आप देखो, है ना, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से NOH लगाओ तो मैं इसे बोलता हूँ ऑक्साइम। ये ऑक्साइम भी आगे चल के 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी बस हम नाम सुन लेते हैं ऑक्साइम, ठीक है, ये चीज़, ठीक, समझ गए। तो अगर एमाइड आता है तो उसका फंक्शनल आइसोमर सर क्या होता है, एक ऑक्साइम होता है, मतलब कि एमाइड का ऑक्साइम, वहाँ पे NOH लगा होगा तो ऑक्साइम। तो फिर से मैं बता दूँ, ये काफ़ी रेयर है, रेयर का मतलब स्कूल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे शायद, लेकिन अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन पूछा जा सकता है। मतलब कि एमाइड का क्या होता है सर, ऑक्साइम होता है, एमाइड का क्या होता है, ऑक्साइम होता है, ठीक। एक आध और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं यहीं पे, क्यों, एक और बता देता हूँ यहीं पे। अब देखो जरा, हमने कभी ज़िंदगी में पढ़ा था सल्फोनिक एसिड, याद है सल्फोनिक एसिड, RSO3H, तो RSO3H, क्यों RSO3H, ठीक। इसे मैं बोलता था सल्फोनिक एसिड, क्यों सल्फोनिक एसिड, इसका हमने नेम पढ़ा था काफ़ी डिटेल से, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में। सल्फोनिक एसिड का गया मार्कर, सल्फोनिक एसिड का ना जो फंक्शनल आइसोमर है वो सल्फोनेट ईथर है। ईथर क्या होता है, ROR, तो आपके बार RSO2OR हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ना सर, ऐसे RSO2OR, मतलब कुछ ऐसा RSO3R, इसे हम बोलते हैं सल्फोनेट ईथर, समझ रहे हैं आप सर, कैसे समझे, देखिए 1, 2 पे तो नंबर क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो 2 कार्बन, 3, 2, 5, 1, 6 C2H5, देखिए C2S6 ना, C2S6, तो C2S6 SO3, ठीक। कैसे याद रखते हैं सर, ऐसे याद रखते हैं, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H एंड सल्फोनेट ईथर है, ईथर मुझे पता है ROR ईथर होता है, ठीक है, तो RSO2OR ये हो जाएगा सल्फोनेट ईथर। अब नीचे पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, चेक कर लूँ कि आ रहा है कि नहीं, देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं नीचे, हाँ जी नीचे बिल्कुल आ रहा है, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर सल्फोनेट ईथर, तो हो जाएगा सर सल्फोनेट ईथर, तो ये हो गया अपना सल्फोनेट ईथर, ईथर लिखा है, कैमरे में आ रहा होगा मुझे शायद विश्वास है आ रहा होगा, ठीक। तो फिर से सर क्या इम्पोर्टेंट, इस टाइप के फंक्शनल आइसोमर ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइप के, क्योंकि ये जनरली हमसे कभी स्कूल एग्जाम में शायद ही पूछे जाएं, लेकिन अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भर भर के पूछा जाएगा, ठीक ये चीज़। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी अभी हमने इतना सीख लिया कि अगर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन में एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक, नाइट्रो का नाइट्राइड में जाता है, ठीक है ना, ऐसे एमाइड का जाता है ऑक्साइम में, क्यों, और ऐसे सल्फोनिक एसिड का किस में जाता है, सल्फोनेट ईथर में जाता है, ठीक है। एक और बचा है उसको मैं बता दूँ, पहले आप इतना नोट करें, है ना, इतना नोट हो गया ना, तो इतना नोट करने के बाद लास्ट टॉपिक बच रहा है ना, उसको ख़त्म करते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से, समझ गया क्या, तो वीडियो पॉज करके नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं, मैं रफ़ करूँ, है ना, रफ़ करता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो चल नहीं रही। तो क्या बताने वाले हैं, बताना मुझे ये है, क्या बताना है, तो मेरे ख्याल से अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने स्कूल एग्ज़ाम के लिए फंक्शनल पे इतनी सारी बातें काफ़ी हैं, क्यों ये चीज़। तो आप देखो ज़रा, सारा रफ नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बोर्ड भी अच्छा लगना चाहिए, है ना। क्या बोल रहा था, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग,
एक एस्टर था, ठीक है, एस्टर होता है आर सी डबल ओ आर, ठीक है, देखो आर सी डबल ओ आर, ठीक, ये एक एस्टर है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर हुआ करते हैं फंक्शनल आइसोमर, ठीक। अब हम देखने वाले हैं कि एस्टर का कौन होता है, क्यों एस्टर का कौन होता है। फिर से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये खानदान काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक। एस्टर क्यों हुआ करते हैं, कीटो ईथर, कीटो ईथर का मतलब क्या है, सी और ओ के बीच में एक कार्बन और ला दो, जैसे कि 1 2 3 4, थ्री हो गया ऐसे, थोड़ा सा रुकेंगे आप, मैं थोड़ा चेक कर लूँ यहाँ पे, ठीक ऐसे, ठीक है। देखिए आप, ये था एस्टर, अगर आर ओ आर होता तो हम बोलते ईथर है, लेकिन एक इसमें कीटो ग्रुप लगा हुआ है, कहाँ सर कीटो लगा हुआ है, कीटो ग्रुप है, फिर आर ओ आर ही है, ठीक है ना, इसका मतलब कि इसे मैं बोलता हूँ कीटो ईथर, क्या बोलता हूँ सर, कीटो ईथर, कीटो ईथर, तो कीटो ईथर वाला भी खानदान होता है, और ये कीटो ईथर किसका आइसो, किसका फंक्शनल आइसोमर है, एस्टर का। तो एस्टर के फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कीटो ईथर हुआ करते हैं, कैसे सही है या गलत है, तो 1 2 3 4 5, सी फाइव, 3 2 5 2 7 3 10, ठीक है, सी फाइव एच टेन, क्यों ओ टू, सी फाइव एच टेन ओ टू, तो 1 2 3 4 5, सी फाइव एच टेन, देखो आप 3 2 5 2 7 3 10 ओ टू, क्यों ये चीज़। तो इसका मतलब ये है कि एस्टर का कीटो ईथर क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर हुआ करते हैं, ठीक। एक खास बात और बताता हूँ, एक खास बात क्या है सर, एक राज की बात है, राज की बात, जो कपिल शर्मा शो देखते हैं उन्हें पता है राज की बात क्या है। तो राज की बात क्या है ना, राज की बात अपन लोग नोट करके लिखेंगे, है ना, नोट करके, क्या नोट करके लिखना है देखें जरा आप, ये मार्कर चेंज करते करते काफ़ी टाइम जाता है, क्यों नोट करें क्या लिखेंगे, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ आ जाए कि वहाँ पर ना फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी दिख रहा है, चेन आइसोमेरिज्म भी दिख रहा है, एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म भी दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में सर हम नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्टेड चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड प्रिफर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये एक स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है जिस पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे रेड पेन वगैरह यूज़ किया करें, ज़रूरी नहीं है कि मास्टर साहब भी यूज करेंगे, ठीक है ऐसे। तो सर मैंने क्या बोला कि अगर कभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म में लगता है कि सर तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को नेगलेक्ट करके चलता हूँ, अगर इनमें दोनों हुआ तो वो तो अलग ही होता है ना, और एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म को ही अपन लोग प्रेफर करते हैं, इसको ही प्रेफर करते हैं, ठीक। तो इसके एग्जांपल भी बताने लगे हाथ, एग्जांपल के नाम पे, ठीक, अगर आप देखो एग्जांपल काफ़ी खूबसूरत है, ठीक, ये कंपाउंड है जो हम पढ़ने वाले ट्वेल्थ क्लास में, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लगा होता है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है फिनॉल, क्या सर बोलते हैं हम लोग ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनॉल, तो ये सर एक फिनॉल था, ठीक। इसका एक फंक्शनल आइसोमर बनेगा, इसका एक फंक्शनल आइसोमर बनेगा, वो फंक्शनल आइसोमर कुछ ऐसा दिखेगा, आप देखो, तो कई लोग इसमें बोल सकते हैं ना कि मिथाइल ग्रुप यहाँ था, इसकी साइड साइड चेन छोटी हो गई, वहाँ पहुँच गई, इसका मतलब कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म है, तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, ये एक फिनॉल है, ठीक। अगर OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा होता है तो मैं उसे बोलता हूँ फिनॉल,
लेकिन OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना लगाओ, साइड चेन में लगाओ, तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं अल्कोहल, एरोमेटिक वाले अल्कोहल है ये, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को मैं बोलता हूँ अल्कोहल, एरोमेटिक नहीं, एल्फेटिक ही अल्कोहल होता है ये, अल्कोहल होता है ये, ठीक है ना। ये बात नई बात पता चल गई कि आज, है ना। तो ये नई बात हो गई आपके लिए जो ट्वेल्थ नहीं पढ़ा है ना। ट्वेल्थ पढ़ने के बाद तो आप इलेवेंथ पढ़ोगे नहीं, सही है। तो फिनोल कब बोलते हैं, जब OH डायरेक्ट बेंजीन से, बेंजीन रिंग से लगाओ, लेकिन OH अगर साइड चेन में लगा होता है तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, अल्कोहल बोलता हूँ। तो फिनोल का फंक्शनल आइसोमर अल्कोहल है ना। ये देखने में लगता है कि चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है क्योंकि साइड चेन ना छोटी होकर उधर पहुँच गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, यहाँ पर क्या है सर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो अगर कभी इस टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे जाएँ तो हमें गला फार फार चीख चीख के क्या बोलना है कि सर ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। ये एक और कहीं गिरा है, ठीक, ये यहाँ तक सही है। अब आगे देखते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा ना सर, अभी अभी तुमने सब पढ़ा है, आप इतना ज़्यादा क्यों। ये कीटोन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कीटोन। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शनल आइसोमर था। आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सिक्स इस कार्बन के, सिक्स सेवन, तो सिक्स सेवन हो गया, ठीक। कितने हाइड्रोजन, दो दो चार, दो छः, दो आठ, नौ एक दस, ग्यारह तेरह चौदह, फोर्टीन कार्बन है यहाँ पे शायद, ठीक। करके बता दो क्या कर लोगे ना, देखो आप, सिक्स तो ये कार्बन, सिक्स सेवन, सेवन कार्बन हो गया, हाइड्रोजन गिन लो आप, दो एक तीन, है ना। मैं वो कर लेता हूँ जिससे आपको गिनने में आसानी हो, आपको क्या मुझे भी गिनने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे हर जगह एक एक है ना यहाँ पे, हाँ। आप ऐसे देख लो, बेंजीन रिंग दोनों में कॉमन है, ठीक, छः कार्बन हो गए, सातवां ये, तीन एक चार, तो अब देख रहे हैं, सातवां ये, दो तीन एक चार हो गया, दो एक तीन, तीन यहाँ पे हो गया, है ना, और एक यहाँ वाला चार, नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, करके बता देता हूँ अभी, ठीक। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, क्या करना चाह रहे हो, समझ रहे हो ना, है ना। तो अगर कोई ऐसा कीटोन लिखा हुआ है, कीटोन, कोई ऐसा कीटोन लिखा हुआ है, ठीक है, तो कीटोन का जो होता है क्या होता है, एल्डिहाइड होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, एल्डिहाइड होते हैं। तो अभी ध्यान दरअसल आइसोमेरिज्म पे, कार्बन गिनने पर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा, है ना, सी एच ओ हो जाएगा, क्यों, ठीक, देखो सी एच ओ, है ना, मिथाइल ग्रुप था ना, छोटा कर लो इसको, सी एच टू सी एच ओ, तो ये बन गया, ये अब एल्डिहाइड है ना, सी एच ओ का मतलब एल्डिहाइड, तो सर ये हो गया एल्डिहाइड, ये अपने हो गए एल्डिहाइड, ठीक। तो इसका मतलब ये है, कीटोन का एल्डिहाइड होता है, और इस टाइप का कीटोन एल्डिहाइड भी हो सकता है, जो कि, है ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग चलता है, ठीक है। ये तो सही था, फिनोल वाला सही था, ठीक। यहाँ भी कर सकते हो आप, यहाँ भी आप एरोमेटिक वाला कर सकते हो, तो नहीं, ये नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़। हाँ, अब सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, कीटोन का एल्डिहाइड होता है फंक्शनल आइसोमर। मुझे देख रहा है कि शायद चेन छोटी हुई, चेन नहीं छोटी हुई, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर है, ठीक। तो कभी भी चेन पोजीशन या फिर FI में देखेंगे तो मेरे पास FI क्या होगा, प्रेफर होगा। तो यहाँ पर भी सर क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है ना। मॉलिकुलर फार्मूला सब में सेम है, ठीक, वो मैं अभी गिन के बता देता हूँ। अगर आप एक एग्जाम्पल और देख लें, जैसे कि वन टू थ्री फोर OH, ठीक, ये तो एक अल्कोहल था, है ना, ये है सर एक अल्कोहल, अच्छा अल्कोहल है ये, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अल्कोहल का ना ईथर हुआ करते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ईथर में तो सर मैं ऐसे बना दूंगा, वन टू, वन टू, ठीक। तो ऐसा लग सकता है कि सर चेन छोटी हो गई थी, चार की थी तो अब दो और दो की हो गई है ना, ओ के कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, कैसा है सर, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक। ये अपना ईथर है, शायद नीचे ना दिख रहा हूँ, ये अपना ईथर है, ठीक।
तो अल्कोहल्स के ईथर हुआ करते हैं, ये हम अभी पढ़े पढ़े हैं। और अगर कभी चेन आइसोमेरिज्म में कभी फंक्शनल या फिर चेन होगा तो हम किसको प्रिफर करेंगे, हमेशा की तरह फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। तो यहाँ पर भी एक क्या है सर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, चेक कर लेना आप ये चीज़, सही है। तो इतने सारे एग्जांपल्स इस वाले पार्ट पे बन सकते हैं, पहले एक बार आप नोट कर लें, ठीक है, इतना नोट हो गया। हाँ तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, मैं भी इंसान ही हूँ जी, सी एच ओ। अब मैं काउंट करा के थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि सर ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म वाकई में है या नहीं। तो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो C4H3O, C7H3O, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, C7H3। ओ पता नहीं क्या है ना, दिमाग ही नहीं चल रहा है ना, इतनी देर से थोड़ा थक गया हूँ, है ना। तो आप देखो हाइड्रोजन गिनो आप, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 1 9 3 12, 12 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 1 12, ठीक है, 6 एंड 7 कार्बन, 6 7 कार्बन, ये ओ ओ, ठीक है। तो इसका मतलब सर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, और ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। लेकिन ये एक बार गिन के बताए भी तो कोई, वैसे आप यहाँ भी गिन लो थोड़ा सा टफ पड़ रहा है ना। तो 6 एंड 7, 7 कार्बन तो फिक्स है ना, और हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, क्यों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक, फोर फोर ये हो गया, 4 4 5 3 8, टोटल 8 हाइड्रोजन और ओ, यहाँ भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कोई नहीं है ना, 8 एंड ओ, सही है। तो मॉलिकुलर फार्मूला दोनों में सेम है ना, इस बात पे स्ट्रेस नहीं देना है क्योंकि वो सही है, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है ना। तो आज की रिकॉर्डिंग ना बहुत ही मुश्किल से हो पा रही है, दो बार लाइट गई है ना, दो बार पावर कट हुई है आज, आप देखिए, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरीके से हमारे पास कीटोन एल्डिहाइड हो सकते हैं जो कि FI है, ठीक। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा आपसे बात भी किया हूँ, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से क्लासेस हों तो बता दीजिएगा। तो एस्टर का मैंने देख लिया कि सर कीटो इथर होता है, और छोटी मोटी अगर गलतियाँ होती हैं स्पेलिंग वगैरह की तो उसको आप कृपया माफ़ करिएगा, नेगलेक्ट कर देंगे CIPI को, FI प्रेफर होगा। और इस तरीके से अल्कोहल का हमने ईथर देख लिया, जहाँ पर CI नहीं है जबकि FI है, ठीक। तो आज हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आगे के जो भी आइसोमेरिज्म है हम बात करेंगे। सो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।